चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, तो उसको हमने स्टार्ट करना है लेसन 5A। उससे पहले हम लेसन 4A हमने कंप्लीट किया था, तो अब हमने करना है लेसन 5A। ओके, तो आपकी बुक में इंशाल्लाह ये चैप्टर आपको मिल जाएगा 5A, टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, स्टोरिंग डेटा के नाम से होगा, जिसमें चैप्टर 5A जो है हमारा वो है टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है ना, जिसमें कैटेगरीज ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आएगा, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस एंड सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, शुरू करते हैं इसको। ये चीज़ें आपको मैं पहले भी एक रफ एस्टीम इसका रफ रिव्यू मैं आपको दे चुका हूँ इसका, तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। अच्छा, ये देखें, ये आपको शुरू में मिलेगा कैटेगराइजिंग ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। अच्छा, पर्पस ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस का मतलब क्या होता है कि डेटा को परमानेंटली होल्ड करना है, या होल्ड करना, मुख्तसर बात ये, टू होल्ड डेटा परमानेंटली और नॉन परमानेंटली। ठीक है ना, अच्छा, अब जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है, एक सिस्टम यूनिट आपको नज़र आ रहा है, जिसमें आप देख रहे हो कि स्टोरेज डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, तो सीडी आपको नज़र आ रही है, और डीवीडी ड्राइव नज़र आ रही है, फ्लॉपी डिस्क नज़र आ रही है, एंड हाई कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी नज़र आ रही है आपको इसमें। ठीक है ना, तो बुनियादी तौर पर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये तीन किस्म की हमने कहा था कि जी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, एक मैग्नेटिक है, एक ऑप्टिकल है, और एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज है। ठीक है ना, अच्छा, फिजिकली जब हम डेटा को स्टोर करते हैं जिस चीज़ पे, तो हम उसको कहते हैं कि ये स्टोरेज मीडिया है हमारा। ठीक है ना, जिस चीज़ पर डेटा स्टोर होता है या सेव होता है, हम उसको कहते हैं कि जी ये हमारा स्टोरेज मीडिया है। ठीक है ना, और जो वो डिवाइस होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं उसको। ठीक है ना, नाउ देर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, वन इज मैग्नेटिक एंड अदर इज ऑप्टिकल। ठीक है, और थर्ड वन इसमें जैसे ये भी लिखा हुआ है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज। तो बुनियादी तौर पे दो किस्म के, लेके एक एक इसमें स्पेशल टाइप ऑफ हमारी स्टोरेज है। ठीक है, इसको एक नज़र देख लेते हैं हम कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, हाउ डेटा स्टोर्ड ऑन अ डिस्क, डिस्क पे डेटा को कैसे हमने स्टोर करना है। ठीक है, अच्छा, अभी हम कर रहे हैं मैग्नेटिक की बात, सही। अच्छा देखो, मैग्नेटिक डिस्क में जो हेड होता है, मुख्तसर बात मैं आपको बताऊं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है ना, जब उसमें से बिजली पास होती है तो वो मैग्नेट बन जाता है, और जब बिजली पास नहीं होती उसको हम आयरन बार कहते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जब हम उसमें बिजली पास होती है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, उससे जो है वो, अब ये देखो तीन किस्म की डिवाइसेस आपको दी हुई है, एक फ्लॉपी दी हुई है, सरफेस आर कन्वर्टेड विद अ स्पेशल मैग्नेटिक कोटिंग, यानी हेड जब वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है तो ये भी मैग्नेटाइज हो जाती है, पोलराइज हो जाती है। हार्ड डिस्क भी इसी तरह है, और टेप ड्राइव भी इसी तरह से। ठीक है ना, अच्छा, फिर हम देखते हैं कि जो बुनियादी चीज़ इसमें हम देखते हैं, ये जिस तरह आयरन बार लिखा है, कॉपर वायर की कॉइल बनी होती है जिसमें से करंट पास होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। ठीक है, ये भी हमारा टॉपिक नहीं है अभी फिलहाल। अच्छा, हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज ऑन अ मैग्नेटिक डिस्क, डेटा को आप कैसे
ऑर्गेनाइज करते हो किसी भी मैग्नेटिक डिस्क पे, ठीक है ना। हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज ऑन ए मैग्नेटिक डिस्क, डिस्क पे डेटा को कैसे आप ऑर्गेनाइज करना है आपने, ठीक है। अच्छा अगर आप इसको देखो तो ये लिखा हुआ फॉर्मेटिंग और इनिशियलाइजेशन, फॉर्मेटिंग और इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अच्छा देखो मैग्नेटिक डिस्क में, मैग्नेटिक डिस्क की बात हो रही है, अब वो फ्लॉपी हो या हार्ड डिस्क हो, ठीक है। टेप ड्राइव की बात नहीं कर रहे हम, टेप ड्राइव की बात नहीं कर रहे हम, किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक डिस्क की। डिस्क आइदर फ्लॉपी और हार्ड डिस्क या हाई कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क। हाई कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क को हम आमतौर पे जिप ड्राइव भी कहते हैं, जिप, ZIP, जिप ड्राइव, ठीक है ना। ओके जिप ड्राइव शायद आपने देखी हो, फ्लॉपी डिस्क की तरह होती है लेकिन थोड़ी थिक होती है और तकरीबन जैसे फ्लॉपी डिस्क होती है 1.44 MB स्टोरेज रखती है अपने अंदर, और ये हाई कैपेसिटी जो है 100 MB और इससे ऊपर का डेटा स्टोर करती है, ठीक है ना। ओके नाउ अच्छा फिर अगर आप इसको देखो तो देखो जब आप कोई भी डिस्क खरीदते हो, नई डिस्क खरीदते हो, हार्ड डिस्क की मैं अगर बात करूं या फ्लॉपी डिस्क की बात करूं, तो वो जो होता है वो ओके ओके अच्छा तो जब हम कोई हार्ड डिस्क लेते हैं या हम हार्ड डिस्क हम जब नहीं लेते हैं कोई, तो वो उस वक्त इस्तेमाल के काबिल नहीं होती, ठीक है ना। उसमें होता क्या है कि उस पे आपको उसको आप फॉर्मेटिंग करना पड़ता है आपको, यानी आप मैग्नेटिकली मैप करते हैं सो दैट द कंप्यूटर कैन गो डायरेक्टली टू अ स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, लेट मी चेक। ओके अब सही है। ओके अच्छा अब मैं जो बात कहना चाह रहा था कि जब आप कोई डिस्क लेते हो नहीं, आइदर यू गो टू मैग्नेटिक सॉरी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, उसको मैग्नेटिकली मैप करना पड़ता है कि कंप्यूटर जो है डायरेक्टली उस जगह पर चला जाए जहाँ से डेटा को लेना है, ठीक है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क है ये रैंडम एक्सेस डिवाइस है, रैंडम एक्सेस डिवाइस है, ठीक है। आपको पहली क्लास में या दूसरी क्लास में बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सेस, कि जब आपको डेटा की जरूरत हो तो डेटा डायरेक्टली उस जगह से जाके उस डेटा को उठा लें, ठीक है। अच्छा इसको मैग्नेटिक मैप करना पड़ता है, तो मैप का मतलब ये हो गया कि आप उसको फॉर्मेट करते हो, फॉर्मेट या इनिशियलाइजेशन। देखो जब भी डिस्क आप लेते हो, जो बच्चे इंस्टॉलेशन जानते हैं विंडोज़ की या ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन जानते हैं, अब तो क्योंकि 7 या उससे हायर वर्जन आ गए, आप जब इंस्टॉल कर लेते हो तो सी में जब आपने इंस्टॉल कर लिया और आपने कुछ पार्टीशन बनाया उसके सी डी ई बना दिए फॉर एग्जांपल, तो डी ड्राइव में उस वक्त तक आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस कि आप उसको फॉर्मेट करो या इनिशियलाइजेशन करो, ठीक है ना। नाउ जब इससे पहले के वर्जन आते थे विंडोज़ 98 या 95, उस ज़माने में हमें मैनुअली इसको फॉर्मेट करना पड़ता था डिस्क को, ठीक है। फॉर्मेट इज़ अ कमांड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर्मेट क्या है, एक कमांड है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो जब ये विंडोज़ 98 और 95 थे तो जब हम इंस्टॉलेशन उस पर करते थे तो पहले हम उसको डिस्क को फॉर्मेट करते थे, देन सेटअप रन करते थे विंडोज़ का, ठीक है ना। अब ये कि अब आप डायरेक्ट सीडी से बूट करा के और उसका
सेटअप चल जाता है वो, ठीक है, और वो उसी में ही वो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वो डिस्को फॉर्मेट भी करता है जहाँ पे उस ऑपरेटिंग सिस्टम जाना होता है, ठीक है ना। तो जब हम हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं, तो जब वो फॉर्मेट होती है तो वो क्या करती है, उस डिस्क पे चेंजिंग क्या लाती है, देखो वो करती है ट्रैक्स एंड सेक्टर्स क्रिएट करती है, ट्रैक एंड सेक्टर्स क्रिएट करती है। अच्छा, अगर मैं आपको इस तस्वीर से आपको अंदाज़ा होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो ये ट्रैक्स हैं, यानी कि जब आप फॉर्मेट की कमांड चलाते हैं तो हेड जो है फिजिकली इस पे ट्रैक्स क्रिएट कर देता है, ठीक है। ये आपके सामने ट्रैक्स हैं, राउंड राउंड जो हैं ट्रैक्स बने हुए हैं। अगर एक फ्लॉपी डिस्क है तो आप देखो कि जी फ्लॉपी डिस्क में जैसे यहाँ पे भी लिखा है 80 ट्रैक क्रिएट होते हैं, ठीक है। एक फ्लॉपी डिस्क पे जब आप फॉर्मेट चलाते हो तो 80 ट्रैक क्रिएट किए जाते हैं उस पे, वो हेड 80 ट्रैक क्रिएट करता है। लेकिन अगर हार्ड डिस्क हो तो हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक्स में भी क्रिएटेड, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ फ्लॉपी डिस्क की बात कर रहा हूँ कि फ्लॉपी डिस्क पे अगर आप फॉर्मेट कमांड चलाओगे तो तकरीबन 80 के लगभग आपको ट्रैक्स मिलेंगे, उस पर वो ट्रैक्स बनाएगा। लेकिन अगर हार्ड डिस्क होगी तो देयर मे बी हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक्स उस पर बनेंगे, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ प्लेटर्स और कैपेसिटी ऑफ द डिस्क, ठीक है। तो ये आपके सामने उसने ट्रैक्स बना दिया। अच्छा, जब आप ट्रैक बना लेते हो तो हर ट्रैक को नंबरिंग भी देनी होती है, यानी कि आउटर मोस्ट जो होगा, आउटर मोस्ट ट्रैक जो होगा वो हमेशा स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, तो आखिरी वाला ट्रैक जो होगा वो ज़ीरो कहलाएगा, उसके बाद वाला 1, 2 सो ऑन टिल 79, ठीक है। तो 0 से 79 का मतलब क्या हो गया, 80 ट्रैक्स, 80 ट्रैक्स, ठीक है। तो इसी तरह अगर हार्ड डिस्क पे आप बनाओगे तो मे बी 100, 200, 300, 400 कितने भी ट्रैक्स बने उस पे, उसको भी नंबरिंग दी जाएगी। आउटर मोस्ट से स्टार्ट करेंगे और उसका उसका ट्रैक जो होगा क्या होगा, स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो ट्रैक, ठीक है ना। ओके, है इस तरह से ट्रैक बना देती है जैसे कि ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वो उसको क्या करती है, स्लाइस करती है। उसके बाद उसको क्या करती है, स्लाइस करती है। स्लाइस से मतलब बिल्कुल स्लाइस नहीं कर देती केक की तरह, इसी तरह से जैसे ट्रैक बनाया निशान डालती है, इसी तरह से इसको स्लाइस कर देती है। यानी कि अगर मैं दूसरी डायग्राम में आपको दिखाऊं तो आपको ज़्यादा बेहतर, ये देखो ये जो लाइनें नज़र आ रही हैं, इस तरह से लाइनें डालेंगे जब, तो ये इसको हम कहते हैं कि जी स्लाइस कर दिया। स्लाइस करने से फ़र्क क्या हुआ, फ़र्क ये हुआ कि सेक्टर्स जो थे, सॉरी ट्रैक्स जो थे वो सेक्टर्स में बदल गए, स्मॉल सेक्टर्स में। देखो छोटे 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 सेक्टर्स में आपको नज़र आ रहा होगा, छोटे छोटे सेक्टर्स में कन्वर्ट हो गए ये डिस्क। तो जब फॉर्मेट कमांड चलाई तो सबसे पहला काम क्या किया उसने, उसने उस पर ट्रैक्स बनाए, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये अपने ट्रैक्स बने हुए हैं, ठीक है। ट्रैक्स बन गए, फ्लॉपी डिस्क के तो 80 ट्रैक्स बन गए लेट्स सपोज। ट्रैक्स बनाने के बाद वो क्या करेगा, इनको कन्वर्ट करेगा सेक्टर्स में, स्मॉल सेक्टर्स में। अच्छा, स्मॉल सेक्टर्स में उसी वक्त कन्वर्ट होंगे जब इनको स्लाइस किया जाएगा। स्लाइस से मतलब ये हुआ कि बिल्कुल छुरी नहीं चलानी इस पर, बल्कि हेड जो है निशान डाल देगा। जब वो निशान डाल देगा तो ट्रैक्स जो हैं, ट्रैक्स ये जो गोल गोल हैं, ये सेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्मॉल सेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, अगर मैं इस फ्लॉपी डिस्क की बात करूँ, ये समझ गए होगे आप, इस तस्वीर से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसकी मैपिंग करनी है। इसकी मैपिंग का मतलब ये होता है कि आपने ट्रैक्स को भी नंबर देना और सेक्टर्स को भी नंबर देना है, ठीक है। यानी ट्रैक स्टार्ट हो रहा है 0 से, 0, 1 आउटर मोस्ट जो है 0 होगा, ठीक है। और इसी तरह 0 ट्रैक पे सेक्टर भी 0 होगा, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये 0 सेक्टर है, 0 ट्रैक है, ठीक है। फिर 1 सेक्टर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सो ऑन। इस पूरी डिस्क पे कितने हो जाएंगे सेक्टर्स, कितने हो जाएंगे, देखो ये कैलकुलेशन उसने आपको करके दिखाइए। यहाँ पे
ओके अच्छा ये देखो अगर 80 ट्रैक्स हैं तो हर एक में अगर 18 बनते हैं पर साइड 18, अगर एक एक ट्रैक में 18 सेक्टर्स बनते हैं तो पूरी डिस्क पे कितने बनेंगे? 1440 सेक्टर्स, ठीक है। और वो ये कह रहा है कि जी एक सेक्टर में 512 बाइट्स स्टोर हो सकती हैं, एक सेक्टर में 512 बाइट्स स्टोर की जा सकती हैं, ठीक है, समझे बच्चों? नाउ अब ये जो एक एक सेक्टर है, ये वाला एक सेक्टर, ईच सेक्टर कंटेन्स 512 बाइट्स, 512 बाइट्स का डेटा ये एक के अंदर होल्ड कर सकता है। तो इसी तरह पूरी डिस्क पे कितना डेटा स्टोर करेगा? तो 512 को 1440 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर 80 ट्रैक हैं और एक ट्रैक में 18 सेक्टर्स हैं, ठीक है, तो 1440 सेक्टर्स हो जाएंगे पर साइड फॉर अ टोटल ऑफ दो सेक्टर्स, ठीक है। जब जब आप कह रहे हो कि जी हम कहते हैं कि जी उसमें फ़र्ज़ कर लेते हैं 1440 सेक्टर्स हैं और एक सेक्टर कंटेन्स 512 बाइट्स, तो उसको मल्टीप्लाई करो तो जो भी आंसर है वो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स वो उस डिस्क पे स्टोर करता है, ठीक है। ओके थोड़ा सा ये बोरिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं। ओके नाउ फिर हमारा टॉपिक है हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड डेटा ऑन डिस्क। वो कैसे फाइंड करता है डेटा को एक डिस्क पे, ठीक है ना। आपने लॉजिकल फॉर्मेटिंग भी कर दी। लॉजिकल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि ट्रैक्स और सेक्टर्स को नंबर दे दिए, ठीक है। जब आप ट्रैक्स और सेक्टर्स को नंबर दे देते हो तो जहाँ पे भी आप जब डेटा सेव होता है तो वो उस ट्रैक और सेक्टर का एड्रेस नोट करके रखता है। यानी ये फाइल है, एक फाइल मैंने बनाई ABC और मैंने उसको स्टोर किया, तो लेट सपोज वो जाके सेव हुई चौथे ट्रैक के 20वें सेक्टर में, ठीक है। तो वो एड्रेस फाइल ABC और एड्रेस ऑफ द ट्रैक, जैसे ये देखो अगर मैं फर्ज करो यहाँ पे करता हूँ तो ये मे बी 1 2 3 फर्ज कर लेते हैं तीसरा ट्रैक है और 20वां सेक्टर है, तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसका एड्रेस फाइल ABC के सामने स्टोर होगा कि फाइल ABC कहाँ पे स्टोर हुई है, तीसरे ट्रैक में और 20वें सेक्टर में, ठीक है। थोड़ी सी मुश्किल बात है लेकिन समझ जाओगे आप इसको, इतना मुश्किल नहीं। तो हमने क्या किया, जब एक डिस्क आप लेते हो तो हम उसको क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं या इनिशियलाइजेशन करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो जो हेड होता है वो डिस्क पे ट्रैक्स क्रिएट करता है, सबसे पहले ट्रैक्स के बाद सेक्टर क्रिएट्स करता है, ठीक है, और फिर उसको लॉजिकल फॉर्मेटिंग करता है। लॉजिकल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है ट्रैक्स को और सेक्टर्स को नंबर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर सेक्टर का कोई ना कोई एड्रेस होगा, जब आप उसमें डेटा स्टोर करोगे तो वो आराम से एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ वाई, इसी वजह से ये जो मैग्नेटिक डिस्क होती हैं ये रैंडम एक्सेस डिवाइसेस कहलाती हैं, ओके। ड्यूरिंग फॉर्मेटिंग करने के दौरान, ठीक है, चार एरियाज और क्रिएट करता है, कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज आप जो भी कह लो उसको, जिसमें पहला जो है हमारा बूट सेक्टर, ये लिखा है बूट सेक्टर, ये
में हमारा क्या लिखा हुआ, बूट सेक्टर, ठीक है। अच्छा देखो बूट सेक्टर क्या होता है, देखो जीरो ट्रैक जीरो सेक्टर, जीरो ट्रैक जीरो सेक्टर इज कॉल्ड बूट सेक्टर, जीरो ट्रैक जीरो सेक्टर इज कॉल्ड बूट सेक्टर, ठीक है ना। अच्छा देखो बूट सेक्टर में क्या होता है, अच्छा देखो बूट सेक्टर में क्या होता है कि बूट का मतलब क्या होता है, बी डबल ओ टी, बूट का मतलब क्या होता है, टू स्टार्टअप, बूट का मतलब क्या होता है, टू स्टार्टअप, ठीक है ना। अच्छा देखो कोई भी डिस्क हो चाहे फ्लॉपी हो चाहे हार्ड डिस्क हो, जब हम उसको फॉर्मेट करते हैं तो ट्रैक्स और सेक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है ना। तो जब ट्रैक्स और सेक्टर्स बन जाते हैं उसके, फिर क्या होता है, फिर उसको लॉजिकल फॉर्मेटिंग करता है वो। लॉजिकल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि ट्रैक और सेक्टर्स पे नंबर डालता है वो, इसलिए नंबर डालता है कि हर सेक्टर का कोई ना कोई एड्रेस होगा तो डेटा उस एड्रेस से उठा लिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इस डिस्क को क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं, ठीक है। अच्छा जब ये काम कर लेता है ड्यूरिंग फॉर्मेटिंग तो वो चार एरियाज और क्रिएट करता है, ड्यूरिंग फॉर्मेटिंग वो चार एरियाज और क्रिएट करता है, जिसमें पहला क्या होता है, बूट सेक्टर। बूट का मतलब क्या होता है, टू स्टार्टअप, स्टार्टअप क्या, कंप्यूटर को स्टार्टअप। तो किसी भी डिस्क पे जब एक बूट सेक्टर बनता है जो जीरो ट्रैक और जीरो सेक्टर होता है, यानी पहले वाले ट्रैक पे होता है और जो सबसे पहला सेक्टर बनता है उसमें होता है बूट सेक्टर। अच्छा बूट सेक्टर में क्या होता है, बूट सेक्टर क्या करता है, होल्ड करता है नेसेसरी फाइल्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की नेसेसरी फाइल्स को वो होल्ड करता है ताकि वो सिस्टम को बूट अप कर सके या स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो बूट सेक्टर इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि वो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद देता है, ठीक है। स्टार्ट कैसे, यानी कि बूट सेक्टर में जीरो ट्रैक और जीरो सेक्टर जो होता है वो बूट सेक्टर होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें नेसेसरी फाइल्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की नेसेसरी फाइल्स होती हैं जो क्या करती हैं, सिस्टम को बूट करने के काम आती हैं, बूट का मतलब स्टार्टअप करने के काम आती हैं, ठीक है, वो उसमें होती हैं, ठीक है ना। अच्छा एक बात और बता दूं कि अगर आपका डिस्क का, हार्ड डिस्क का या फ्लॉपी डिस्क का बूट सेक्टर ख़राब हो जाए या बैड सेक्टर आ जाए, कोई स्क्रैच आ जाए उस पर, तो ये जो डिस्क होती है फिर दोबारा आप इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल सकते, फिर आप इस डिस्क को इस्तेमाल कर सकते हो डेटा स्टोरेज के लिए, तस्वीरें डाल लो, कोई सॉन्ग्स डाल लो, नोट्स डाल लो, ठीक है, सेव कर लो उसमें, तो ये फिर उसके काम आएगी। याद रखो कि बूट सेक्टर अगर एक दफ़ा बैड सेक्टर में कन्वर्ट हो गया, बैड सेक्टर उस वक्त होता है कि जब किसी सेक्टर पे स्क्रैच आ जाए, कोई मसला हो जाए उसके साथ, सेक्टर के साथ, तो वो हम उसको कहते हैं कि जी ये बूट सेक्टर जो है बैड सेक्टर हो गया और अब इस पे डेटा स्टोर नहीं हो सकता। अदर देन किसी और सेक्टर पे अगर बैड सेक्टर हो जाए तो वहाँ से डेटा हट सकता है, दूसरे सेक्टर पे शिफ्ट हो सकता है, लेकिन ये बूट सेक्टर होता है ये अगर एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो आपकी डिस्क जो होती है वो दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहती। ओके नाउ फिर आता है फाइल एलोकेशन टेबल। ये देखो फाइल एलोकेशन टेबल एक ऐसा टेबल होता है कि जिसमें तमाम डिस्क पे जो फाइल्स होती हैं उनकी इंफॉर्मेशन होती हैं। अगर मैं कहूँ कि जी एक टेबल बना हुआ है, डिस्क पर ही बनता है वो, एक टेबल है जैसे हार्ड डिस्क है, आपने बेशुमार फाइलें उस पर सेव की हुई हैं, आपके डेस्कटॉप पे बेशुमार फाइलें पड़ी हुई हैं, ठीक है, फाइल्स पड़ी हुई, आपने वक्तन वक्तन काम करते गए और आपने उसको सेव करते गए, आपको पता ही नहीं कि आपने किस एड्रेस पे सेव किया, कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन ये काम कौन करता है, फाइल एलोकेशन, इसको हम फैट के नाम से भी जानते हैं, फाइल एलोकेशन। वक्त के साथ साथ फाइल
एलोकेशन टेबल के नाम तो तब्दील होते गए लेकिन काम सबका एक ही होता है तकरीबन, ठीक है। अच्छा, फाइल एलोकेशन टेबल क्या है कि जी हमने मिसाल के तौर पे मैंने एक फाइल बनाई एबीसी, वो मैंने सेव किया, मुझे नहीं पता कहाँ सेव हुई हार्ड डिस्क पे, लेकिन उस फाइल का नाम एबीसी था और फाइल एलोकेशन टेबल में लिखा आया कि जी एबीसी और फाइल नेम एबीसी, एड्रेस क्या, फलाना सेक्टर फलाना ट्रैक, फलाना ट्रैक फलाना सेक्टर, ठीक है ठीक है। फिर मैंने कोई और फाइल की जिसका नाम एक्स वाई जी था, वो भी सेव की, तो फाइल एलोकेशन टेबल में क्या फीड हो गया, फाइल नेम एक्स वाई जी, उसकी लोकेशन या एड्रेस क्या है जनाब, 60वां ट्रैक 60 ट्रैक और 1,000 या 310 सेक्टर, ठीक है, वो एड्रेस जो भी है उसका जहाँ वो सेव हुआ वो फाइल एलोकेशन टेबल में सेव हो गया, ठीक है। अब मैंने फिर क्या किया, डिस्क तो मेरी बहुत बड़ी थी, मैंने एक्स वाई जी को जब डबल क्लिक किया तो वो क्या करेगा, सबसे पहले फाइल एलोकेशन टेबल में जाएगा, वहाँ से देखेगा ये एक्स वाई जी जो फाइल है इसका एड्रेस कहाँ है, इसका एड्रेस वहाँ से लेगा, पढ़ेगा और हेड जो है वो उस एड्रेस पे जाके डेटा को पिक करेगा, सही। अब अगर फ़र्ज़ करो कि ये फाइल एलोकेशन टेबल नहीं होता तो ये एक्स वाई जी फाइल कैसे एक्सेस होती, कैसे डेटा वहाँ से एक्सेस होता, वो ऐसे होता कि वो बिल्कुल पहले ट्रैक पे जाता, पूरे ट्रैक को सर्च करता, एक्स वाई जी नहीं मिलती, फिर दूसरे पे जाता नहीं मिलती, तीसरे पे जाता, ये 60वें ट्रैक पे सेव हुई है, 1, 2, 3, 4 60th ट्रैक पे जाता, फिर उसको वो फाइल मिलती और वहाँ से वो एक्सेस करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइल एलोकेशन टेबल की वजह से ये डिवाइस जो है रैंडम एक्सेस हो गई कि डायरेक्ट डेटा पे जा रही है। अगर ये फाइल एलोकेशन टेबल नहीं होता तो हम कहते हैं कि जी ये जो सिस्टम है ये कैसा बन गया, एक तो होता है रैंडम एक्सेस, एक सिक्वेंशियल एक्सेस, सिक्वेंशियल एक्सेस बन गया। अगर फाइल एलोकेशन टेबल नहीं होता तो हम कहते हैं कि ये सिक्वेंशियल एक्सेस, सीक्वेंस से जाके जाता, पहले ट्रैक को चेक करता, दूसरे को करता, तीसरे को करता, जहाँ पर भी उसको डेटा मिलता वो वहाँ से डेटा ले आता। तो ऐसे एक्सेस को हम क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस, सीक्वेंस से निकला, सीक्वेंस से निकला, तो बहुत टाइम लगता है उसमें, सही है। तो अब जो है आपने क्या करना है, फाइल एलोकेशन टेबल, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी अहम चीज़ है कि वही जो है डिवाइस को रैंडम एक्सेस बनाती है, ठीक है ना, ओके। चौथी चीज़ क्या करता है, वो रूट फोल्डर क्रिएट करता है। आपने देखा होगा रूट डायरेक्टरी, आप जब अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो, माय कंप्यूटर को क्लिक करते हो और सी को आप जब करते हो क्लिक, तो आपके सामने जो फोल्डर होता है वो रूट फोल्डर, जब आप नई विंडोज़ आप इंस्टॉल करते हो तो जब आप सी को क्लिक करते हो तो आपके सामने एक ही फोल्डर होता है और उस पर जब आप डबल क्लिक करते हो तो अंदर तमाम फाइल्स की इंफॉर्मेशन होती है, वो आपका रूट फोल्डर कहलाता है, ठीक है ना, ओके। नाउ फिर डेटा एरिया, डेटा एरिया क्या होता है, डेटा एरिया होता है कि जी अदर देन बूट सेक्टर ऑल द एरिया इज डेटा एरिया। बूट सेक्टर को निकाल दो, बूट सेक्टर में डेटा नहीं सेव होता, अदर देन बूट सेक्टर, बूट सेक्टर के अलावा जितना भी एरिया डिस्क पे होता है वो डेटा एरिया होता है, जितने भी सेक्टर्स होते हैं वो सारे डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। सिर्फ बूट सेक्टर में नेसेसरी फाइल्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं, उसमें आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते, ओके। अच्छा देखो, ये कुछ फाइल एलोकेशन टेबल के वर्जन्स हैं, आपको बताया कि जी फाइल एलोकेशन टेबल जो होते हैं वो फैट जो होते हैं वो एक ही तरह के काम करते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ साथ, वक्त के साथ साथ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आती गई और ये फाइल उसके नाम चेंज होते रहे। अब मिसाल के तौर पर पहला देखो, फाइल एलोकेशन टेबल देखो जरा क्या लिखते हैं, ओके, फाइल एलोकेशन टेबल
जिसको हम फैट 16 भी कहते थे, ये पुराने जमाने में एम एस डॉस जब होता था ये उस जमाने का फाइल एलोकेशन टेबल है, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल वर्जन्स। अच्छा देखो, हाँ अच्छा देखो, फैट जो है, फैट ये फैट 16 के नाम से जो आया वो पुराने ज़माने का था, जिसमें एम एस डॉस इस्तेमाल होता था। उस ज़माने में विंडोज़ भी आई थी 3.1, वो आप लोगों ने नहीं देखी होंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी उस ज़माने की, एक ऑफकोर्स एक बहुत शानदार चीज़ थी वो। तो उस ज़माने में जो फाइल लोकेशन टेबल इस्तेमाल होते थे वो फैट 16 के नाम से होते थे। फिर फैट 32 आया, विंडोज़ 95 जब आई, और विंडोज़ 2000 या विंडोज एक्सपी में भी ये इस्तेमाल होते रहे फैट 32 के नाम से, ठीक है। फिर NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये विंडोज एंटी नेटवर्क टेक्नोलॉजी और बेटर सिक्योरिटी, ओवरऑल परफॉर्मेंस इसकी ज़्यादा थी, लॉन्ग फाइल नेम भी आप इसमें रख सकते थे, ठीक है ना। तो NTFS आया, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। फिर उसके बाद आया NTFS 5, ये भी विंडोज़ 2000 और XP में इस्तेमाल हुआ। फिर आया HPFS, हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम, ये जो है वो IBM के सिस्टम्स में, OS2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल होते रहे, ठीक है ना। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपना फाइल लोकेशन फैट निकाला, ठीक है। हर फाइल एलोकेशन टेबल का काम एक ही था, कंपनीज दूसरी हो सकती थी, यूनिक्स ने या नोवल नेटवर्क ने जो निकाले फाइल सिस्टम, सब ने, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका एक ऑफ कोर्स फाइल सिस्टम होता है, ठीक है। नाउ अच्छा, अब ये देखो डिस्किट आ गया, ये आपने खुद ही पढ़ लेना है ये, ठीक है। डिस्किट या फ्लॉपी डिस्क, इसमें क्या होता है, ये डायग्राम है, रीड राइट हेड होता है जो जो स्पिन करता है, घूमता है, और आप वहाँ से वो डेटा वो उसको उठाता है। जितना देखो, जितनी ज़्यादा तेज़ी से स्पिन करेगी डिस्क, उसको हम क्या कहते हैं, RPM। देखो डिस्किट स्पिन एट अबाउट 300 रेवोल्यूशंस पर मिनट, यानी एक मिनट में वो कितनी दफ़ा घूमती है, वो जितनी ज़्यादा दफ़ा घूमेगी उतना तेज़ डेटा को एक्सेस कर पाएगी, ठीक है ना। ये आप पढ़ लेना कि 0.1 सेकेंड कब लेती है और 0.2 सेकेंड कब लेती है, ठीक है। जब देयर फॉर द लॉन्गेस्ट इट कैन टेक पोजीशन ऑफ द डिस्किट अंडर द रीड राइट हेड इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रेवोल्यूशन, ठीक है। एक रेवोल्यूशन करने में वो 0.2 सेकेंड लेती है, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, ये इसका सेक्टर और ट्रैक्स का की कैलकुलेशन है। ओके, तो इसको एक सरसरी से हम इसको एक देख लेते हैं। देन हार्ड डिस्क का भी तकरीबन ऐसा ही है, ये इसका स्पिन ज़्यादा है ज़रा, 3600 RPM है, 7200, 10000, ठीक है, RPM 15000 MPM, RPM, ठीक है। तो जितना तेज़ी से ये रोटेट करेगी उतनी तेज़ी से डेटा को एक्सेस करेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिमूवेबल हाई कैपेसिटी मैग्नेटिक डिस्क। अच्छा देखो, हाई कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क जिसको हम क्या कहते हैं, जिप ड्राइव भी कहते हैं, जिप ड्राइव, ठीक है। हाई कैपेसिटी रिमूवेबल हाई कैपेसिटी मैग्नेटिक डिस्क, ये भी फ्लॉपी की तरह होती है लेकिन ज़रा मोटी होती है और कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ 100 MB से लेके 750 MB तक की ये होती हैं, ठीक है ना। ओके, ओके, फिर क्या हो जाता है, हॉट स्वैपेबल हार्ड डिस्क। देखो हॉट स्वैपेबल हार्ड डिस्क, अच्छा कंप्यूटर में जो हॉट स्वैपेबल का वर्ड आता है, इसका मतलब कि जब आप रनिंग कंप्यूटर में, चलते हुए कंप्यूटर में आप कोई डिवाइस लगाओ और वो डिटेक्ट हो जाए और चलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो हॉट स्वैपेबल, जैसे ये USB पोर्ट होती है, इसमें आप डिवाइसेस लगाते हो, USB पोर्ट पे जो हार्ड डिस्क लगी होती है वो हॉट स्वैपेबल होती है,
यानी कि आप वो यूएसबी पोर्ट पे उस हार्ड डिस्क को लगाओ तो वो हार्ड डिस्क काम करना शुरू कर देती है। ऐसा नहीं कि वो ड्राइवर मांगती है या ये करती है वो करती है। तो हॉट स्वैपेबल क्या होती हैं, वो डिस्क डिस्क होती हैं जो आपके चलते हुए सिस्टम में आप लगा दो और वो उसको डिटेक्ट करें और काम करना शुरू कर दें। हॉट स्वैपेबल यानी कि हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क जो आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी जिसको हम कहते हैं ना, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी हम कहते हैं आमतौर पे। टेप ड्राइव तो आप जानते ही हो, टेप ड्राइव जो है ना हमारी, वो टेप ड्राइव जो है वो सिक्वेंशियल एक्सेस है। टेप ड्राइव जो है सिक्वेंशियल एक्सेस है, सीक्वेंस से चलती है, ठीक है। आप उसमें डायरेक्ट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, आप सीक्वेंस वाइज उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, मेरे ख्याल अब ये खत्म होने वाला है, इसको अभी ऑप्टिकल रही है। चलें इसको नेक्स्ट लेक्चर में ऑप्टिकल से इसको शुरू करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं इसको।